देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त को देश अपना 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस दिन को आजादी के नाम पर समर्पित किया गया है, क्योंकि इस दिन भारत को करीब 200 साल की गुलामी की जंजीरों से आजादी मिली थी। आज हम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में नहीं, बल्कि हम आपको उन प्रधानमंत्रियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने देश की शान लाल किले पर झंडा फहराया है। देखिए स्वतंत्रता दिवस पर हमारी खास पेशकश, तिरंगा ऊंचा रहे हमारा। आन बान शान का प्रतीक तिरंगा, लाल किले पर तिरंगा फहराने का इतिहास है खास। तिरंगा फहराने का रिकॉर्ड नेहरू के नाम। इंदिरा गांधी ने 16 बार फहराया झंडा। पीएम नरेंद्र मोदी ने 8वीं बार किया ध्वजारोहण। भारत के लिए 15 अगस्त की तारीख काफी अहम है। इस दिन देश को कई बलिदानों और संघर्षों के बाद करीब 200 साल की गुलामी की जंजीरों से आजादी मिली थी। 15 अगस्त को हर साल भारत आजादी का त्योहार मनाता है। इस दिन देश का सबसे बड़ा प्रोग्राम राजधानी दिल्ली के लाल किले पर होता है। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराते हैं। 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर पहली बार तिरंगा फहराया गया था। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले से तिरंगा फहराया था। बता दें, आजादी से अब तक 14 प्रधानमंत्रियों ने 76 बार 15 अगस्त पर तिरंगा फहराया है। आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे ज्यादा बार लाल किले पर तिरंगा फहराया। उन्होंने कुल 17 बार लाल किले पर तिरंगा फहराया है। जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा गांधी ने सबसे अधिक 16 बार तिरंगा फहराया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद सबसे अधिक बार 9 बार लाल किले पर तिरंगा फहराया है। अटल बिहारी वाजपेयी की बात की जाए तो उन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए कुल 6 बार लाल किले पर तिरंगा फहराया। राजीव गांधी ने 5 बार लाल किले पर तिरंगा फहराया है। पीवी नरसिम्हा राव की बात की जाए तो उन्होंने कुल 5 बार लाल किले पर तिरंगा फहराया, जबकि लाल बहादुर शास्त्री और मोरारजी देसाई ने 2 बार ही ध्वजारोहण किया है। चौधरी चरण सिंह, पीवी सिंह, एचडी देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल जैसे प्रधानमंत्रियों की बात की जाए तो उन्होंने एक एक बार लाल किले पर तिरंगा फहराया। वहीं आत्मनिर्भर भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो पीएम मोदी ने अब तक 7 बार लाल किले पर तिरंगा फहराया है। इस बार वो 8वीं बार लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे और आजादी के 75 वर्ष पूरे होने की खुशी में जनता को संबोधित करेंगे। वहीं अगर संबोधन की बात की जाए तो लाल किले से सबसे लंबा भाषण देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। आपको बता दें कि 15 अगस्त 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 94 मिनट का भाषण दिया था। क्या आप जानते हैं कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ही क्यों झंडा फहराते हैं, राष्ट्रपति क्यों नहीं? अगर नहीं जानते तो हम आपको बताते हैं। इस परंपरा के पीछे है एक वजह। इतिहासकारों की माने तो ऐसा कहा जाता है कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री इसलिए झंडा फहराते हैं क्योंकि जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय देश में कोई राष्ट्रपति नहीं था। उस समय आजाद भारत के सर्वे सर्वा प्रधान सेवा यानी प्रधानमंत्री ही थे जिनके द्वारा 15 अगस्त 1947 को झंडा फहराया गया। यही वजह है कि आज तक प्रधानमंत्री ही लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडा फहराते हैं।
प्राइम टीवी के लिए आरती तिवारी की रिपोर्ट। यूं तो देश को कई प्रधानमंत्री मिले जिन्होंने देश को विकास के पथ पर अग्रसर किया और लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया, साथ ही स्वतंत्रता के महत्व को, संघर्षों को जनता को समझाया। फिलहाल हमारे इस खास रिपोर्ट तिरंगा ऊंचा रहे हमारा में इतना ही। आप सभी को 76वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।